नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हरदोई में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के विरोध में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और यहां सांडी कस्बे में आक्रोशित बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भाज यूमो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांडी रोड पर बस स्टैंड पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पुतला दहन किया है। और वहीं युवा मोर्चा महामंत्री आकाश तिवारी ने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से ही करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है और जिससे किसी भी कीमत पर हिंदू समाज और बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। विवादित बयान रामचरितमानस के ऊपर जिसने विवादित टिप्पणी की है स्वामी प्रसाद मौर्य का था, बस इसके लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बहुत ही निंदनीय इसके द्वारा टिप्पणी की गई है हमारे रामचरितमानस और राम भगवान के लिए। एक बात कहना चाहेंगे, जो खानदानी सनातनी है वो पूजा करते हैं श्री राम की, तुम्हारा रामचरितमानस जलाना बता रहा है तुम्हारे अब्बा कही कही है। काशगंज में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर टिप्पणी करने को लेकर एक बार फिर काशगंज जनपद की तीर्थ नगरी सोरो में स्थानीय नागरिकों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और तीर्थ नगरी सोरो में स्वामी प्रसाद मौर्य के आने पर सोरो तीर्थवासियों ने आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही और सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की भी मांग की गई है। मैं इसको एक आतंकी घटना के रूप में देखता हूं। जिस तरह से आतंकवादियों पर एनएसए इत्यादि जो धाराएं लगाई जाती हैं, इस तरह के लोगों पर ऐसी ही धाराएं लगानी चाहिए जो चाहे तो अवैध टिप्पणी कर रहे हैं या रामचरितमानस फाड़ रहे हैं या रामचरितमानस जला रहे हैं। सरकार, मुझे आश्चर्य होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अब तक क्यों नहीं इस विषय पर संज्ञान लिया? या माननीय न्यायालय भी बहुत से विषयों पर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन इस विषय पर क्यों नहीं लिया? मैं मांग करता हूं कि इस तरह के जो जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा या जिन्होंने जलाया या जो रामचरितमानस को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में डाला जाना चाहिए और वही धाराएं लगाएं जो एक आतंकवादी पर धाराएं लगाई जाती हैं। सबसे पहले तो हमें रामचरितमानस को समझना पड़ेगा, तुलसीदास जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्वरूप नहीं समझ में आता, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और ये जो हमारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं जिनको पहले राक्षस कहते थे आज आतंकवाद कहते हैं, तो हमारे धर्म नष्ट भ्रष्ट करने के लिए व्यक्ति जो हैं हमारे धर्म ग्रंथों को अथवा यज्ञ यज्ञादों को राक्षस नष्ट करते थे और आज ये जो जितने भी व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के जो विरोधी है वो हमारे ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट कर रही है जिससे हमारी शक्तियां छिन्न होती हैं। गाजीपुर की सैदपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम की सदस्यों ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 5 लुटेरे कई लूट की घटनाओं से बताया जा रहा है कि संलिप्त पाए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये बताया जा रहा है कि इससे पहले ये भावरकोल थाना क्षेत्र के कासिमबाद थाना क्षेत्र के मोटरसाइकिल और अन्य सामानों की लूट भी 5 संलिप्त किया करते थे और इसी गैंग के 2 सदस्य अभी फरार चल रहे हैं जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और पुलिस ने इनके पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल और 4,830 नकद भी बरामद किया है। अभी कल रात में हमारी स्वाट और सर्वेलेंस टीम तथा सैदपुर थाने की टीम ने एक सफलता प्राप्त की है जिसमें एक गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जिनके द्वारा विगत 1 माह में जो जनपद गाजीपुर में लूट की घटनाएं हुई थी उनका पर्दाफाश हुआ है तथा उन घटनाओं से संबंधित माल की बरामदगी हुई है। एक घटना थाना कासमाबाद क्षेत्र में हुई थी जिसमें एक मोटरसाइकिल और मोबाइल 2 व्यक्तियों से लूटा गया था, उसका मोबाइल बरामद हुआ है।
हरदोई में प्रति माह की तरह थाने पर हाजिरी लगाने पहुंचे हिस्ट्री शीटर को प्रभारी निरीक्षक ने थाने में ही अपराधियों की पाठशाला लगा दी। आपको बताते चले कि हर महीने थाने पर हिस्ट्री शीटर को हाजिरी लगानी होती है और जिसको लेकर थाने में हाथ में तख्ती धमाकर हिस्ट्री शीटरों के परेड कराई गई है और साथ ही प्रभारी निरीक्षक ने अपराधियों के संभय समाज के जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि संडीला थाने का बताया जा रहा है। फतेहपुर में पोस्को कोर्ट की अदालत ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाते हुए 45,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फांसी की सजा सुनते ही आरोपी युवक रो पड़ा और जिले के पोस्को कोर्ट की अदालत में ही जज अहमद खान ने मासूम बच्ची के साथ अपने घर पर दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाए जाने पर आरोपी युवक फारूक पुत्र रजाक निवासी शेखपुर उनवा को फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही 45,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया है कि आरोपी युवक ने 9 जुलाई 2019 की शाम के गांव के ही एक 8 साल की बच्ची को खेलते समय बहला फुसला कर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को भूसे में ही बोरी में छिपा दिया। जिस मामले में ही कोर्ट में 14 गवाह पेश हुए और जिसके बाद अदालत ने आरोपी युवक फारूक को फांसी की सजा सुनाई है। आज अनन्य पाक्सो कोर्ट फतेहपुर के न्यायालय में 9 जुलाई 2019 को शेखपुर उनवा कोतवाली थाना के अंतर्गत गांव है वहां पर पीड़िता साजिया 8 वर्ष की थी, वो खेल रही थी अपने बच्चों के साथ घर के बाहर, तो अभियुक्त तो फारूक जो है उसको बहला फुसला करके अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना कारित करके मार करके उसकी लाश को भूसे की बोरी में भर के साक्ष्य के विलोपन के उद्देश्य से उसको छिपा दिया था। बाद में जब उसकी निशादेही पर ही लाश को बरामद किया गया फिर इसके बाद वो जेल गया। 10 तारीख को इसकी FIR हुई, इसमें अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश हुए। हमको तो सुकून मिला। क्या सुकून मिला आपको? सुकून यही मिला कि हमारे बच्ची को जो है मतलब इंसाफ मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या जैसा क्या सुना है? जैसा फांसी की सजा सुना है। क्या वो जो रहा मुलजिम जो रहा है उसके चेहरे में कुछ ऐसे फैसला सुन कुछ समझ में आया आपको? चेहरे में कोई भय हो या रो रहा? हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जी। आज माननीय अनन्य पाक्सो कोर्ट खड़े में है अभियुक्त फारूक पुत्र रज्जाक निवासी शेखपुर उनवा फतेहपुर थाना कोतवाली सदर फतेहपुर को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मामले की वाजिनी थी शबनम पत्नी सबीर और मृतका थी उम्र 18 वर्ष। घटना का दिनांक है 9/7/2019 समय करीब 7 बजे शाम। इसकी FIR 10/7/19 को 1:16 बजे जिसमें 4/9/19 को चार्ज फ्रेम हुआ और कुल साक्षी 14 गवाह पेश हुए। वाजिनी मामला था कि उसकी पुत्री नाबालिग उम्र करीब 8 वर्ष को मोहल्ले का अभियुक्त फारूक घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, वो बहला फुसला कर घर ले गया। घर ले जाते हुए मोहल्ले के आकिब व अन्य बच्चों ने देखा अभियुक्त अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया और लाश को भूसे की बोरी में भर कर छुपा दिया। श्रावस्ती में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है और आपको बताते चले कि गांवों में आवारा पशुओं को संरक्षण ना दिए जाने के पर ही चक्का जाम किया गया है। वहीं चक्का जाम करने के कारण कई घंटों तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा रहा। मामले की सूचना पर 2 थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सूचना पर पहुंचे खंड विकास अधिकारी गिलोना के समझाने बुझाने पर और आश्वासन पर चक्का जाम को बहाल किया गया। खंड विकास अधिकारी ने 4 फरवरी तक ही बंधे हुए आवारा पशुओं को संरक्षित करवाने का भी आश्वासन दिया है और ये मामला आपको बता दें कि थाना क्षेत्र गिलोला के कटार मोड़ के पास का बताया जा रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन आज चक्का नहीं जाम किया। जनपद श्रावस्ती में 25 तारीख से
बराबर क्रम वाइज जो है जाम करने का आह्वान किया, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारे किसानों की बात को नहीं सुना। इसलिए मजबूर होकर किसान आज रोड पे उतरा और बिलौला वीडियो को ये समय दिया है 4 तारीख तक, यानी 3 तारीख शाम तक अगर हमारी बंधी गाय को बिलौली से नहीं हटाया गया तो पूरा रोड पे फिर हाईवे पे काम करेगा। बस एक ही गांव में बंधी हुई गाय के लिए चक्का जाम किया गया। गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करने सहित 3 सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष राजकुमार ओझा की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव को सौंपा। रालोद ने समस्याओं का निस्तारण न होने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। फिरोजाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जब आगरा की ओर जा रही कार की स्टेयरिंग फेल हो गई और जिससे कार ड्राइवर पार कर फिरोजाबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर आकर एक इको कार से टकरा गया और इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं और जिनको पुलिस ने उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर भेज दिया है। और जो इको आ रही थी इधर तो बेचारा भैया रोड क्रॉस करके इसमें लगी है इको में, ये इको लगी है इसमें रेलिंग में। इसमें कितने लोग घायल हुए? कुछ 3-4 लोग घायल हैं और ड्राइवर का पैर ज्यादा जख्मी है इको के ड्राइवर का, और वो लोग तो भाग गए। पुलिस मौके पे आ गई थी। हाँ, पुलिस मौके। बलरामपुर मुख्यालय पर भीषण सड़क हादसा हो गया, ये गन्ने की ओवरलोडेड ट्रॉली पलट गई है और वहीं इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की भी संभावना जताई जा रही है। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है। जिला मुख्यालय जोड़ने वाले सभी NH काफी देर से बंद रहे और जिसके कारण शहर में भीषण जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा है लोगों को। और वहीं ये पूरा मामला आपको बता दें कि बलरामपुर नगर कोतवाली के वीर विनय चौराहे का बताया जा रहा है। अब खबर मथुरा से है, जहां पर SOG जमुना पार पुलिस की हत्या आरोपी से मुठभेड़ हुई है और इस दौरान ही बदमाश कृष्णा चौधरी घायल हो गया है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने बिना नंबर की स्कूटी और तमंचा बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 29 जनवरी को कृष्ण और उसके साथियों ने नितिन की गोली मारकर हत्या की थी। दरअसल नितिन ने अपने भाई को शराब पिलाने के लिए ही कृष्ण को मना किया था। और आपको बताते चले कि फरार पुलिस लगातार तलाश कर रही है फरार की, और जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना जमुना पार में दिनांक 29 को नितेंद्र भारद्वाज की गोली मार के हत्या की गई थी, जिसमें नेम्ड अभियुक्त कृष्णा और उसके 4 साथी अन्य को नेम्ड किया गया था। आज जमुना पार पुलिस और SOG को ये सूचना मिली कि कृष्णा जो है वो यहाँ से निकलने वाला है, इस पर इन लोगों द्वारा एम्बुश लगाया गया था। उसमें जब उस गाड़ी को स्कूटी को रोका गया तो वो भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कृष्णा के पैर में और हाथ में गोली लगी है, उसको अस्पताल भेजा गया है। 2 अभियुक्त उसके जो साथ थे वो फरार हो गए हैं, उनकी काम्बिंग की जा रही है, कई टीमें लगाई गई हैं, ये उनकी तलाश कर रही हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में शालिग्राम देवशिलाएं पहुंची और इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के बीच देव रूपी इन दोनों शिलाओं को लेकर चल रहे रथ का स्वागत किया। गोरखनाथ मंदिर में आस्था प्रकट करते हुए ही लोग रथ के साथ भगवान श्री राम और माता सीता स्वरूपी देव शिलाओं पर मत्था टेकते हुए आगे बढ़ते रहे और हिंदू सेवाश्रम के पास पहुंचने पर इन शिलाओं का मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने आरती और पूजन अर्चन कर स्वागत किया। ये शिला नारायणी नदी से आ रहा है, नेपाल से। ये शिला अयोध्या में प्रभु श्री राम का बाल रूप माता सीता का उसी शिला से बनेगा उनका मूर्ति। और हम लोग का बहुत सौभाग्य की बात है गोरखपुर वासियों के लिए कि हम लोग भी इस कार्यक्रम का गवाह बन रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हम लोग को याद रखेंगे, वो कहने योग्य रहेंगे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी उस कार्यक्रम में थे
जो ये पत्थर से आज प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। और ये आए हुए हैं आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, किस तरह की पूजा अर्चना की, उसके बारे में पूजा को किया है सभी मित्र साथ पूजा किया, देवी पंडित महंत है, शांतिनाथ जी है, सभी महंत पूजा किए हैं। महाराज जी भी आएंगे क्या कल? अब देखो फिर आज उनके श्री आए क्या लग रही है। शालिग्राम में तो राम जी की मूर्ति बनी देखकर शिलान्यास को फिरा का है ना, राम की मूर्ति बन सीता की मूर्ति बनेगा है, अयोध्या जाएंगे जाएंगे। इतना ऐतिहासिक क्षण है, बहुत खुशी हो रहा है। कल अयोध्या के लिए कितने बजे रवाना होगी ये शालिग्राम? देखो कितना 8 बजे हो जाएंगे। रायबरेली के लालगंज रेल खंड पर आधुनिक कोच कारखाने से नवनिर्मित 19 कोच को लेकर जा रहा उत्तर रेलवे का एक इंजन ही पटरी से पलट गया। बता दें आपको कि गनीमत ये रही है कि हादसे में किसी की तरह हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। मामले की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही बता दें आपको कि आनन फानन पर ही मौके पर रेलवे की टीम पहुंची और इंजन को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया गया और मामले को लेकर ही मामले पर रेलवे के उच्च अधिकारी ने चुप्पी अभी फिलहाल साधी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।